गुड मॉर्निंग आज एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है वो खर्चा का होने वाला है कि इस चक्कर मालिक को कितना बचा, ड्राइवर को कितना बचा, हेल्पर को कितना बचा, मेरा अप डाउन का भाड़ा कितना था और हमारा डीजल खर्चा कितना गिरा, रोड खर्चा कितना गिरा, टूल टैक्स कितना गिरा। तो इसी पर आज हमारा वीडियो होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत दिन से कॉमेंट आ रहा था बार बार यूट्यूब और फेसबुक में कि भैया एक बार खर्चा का वीडियो लेकर आइए, खर्चा का वीडियो लेकर आइए, ताकि हम लोग को भी मालूम चल सके कि इस बार जो है मतलब बरसात के बाद गाड़ी में कितना बचत हो रहा है और जो है कितना खर्चा गिर रहा है। तो ये सारा खर्चा लेके एक वीडियो बनाना के लिए लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, तो इसी पर आज हमने वीडियो बना दिया हूँ। तो फाइनली मैंने देखिए ये कॉपी में सारा खर्चा लिख लिया हूँ, मेरा डीजल कितना खर्चा गिरा था, रोड खर्च कितना गिरा और हमारा भाड़ा जो था अप डाउन का कितना था, ये सारा इसमें कॉपी में लिखा हुआ है। तो आप लोगों को एक एक करके पूरा विस्तार पूर्वक बताते हैं इस समय गाड़ी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या एक 18 चक्का टेलर जो है लगभग 30-40 लाख का गाड़ी है तो अभी कितना बचत दे पा रहा है। तो इसी पे आज हमारा ब्लॉग होगा दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि 2 दिसंबर को हमने गाड़ी लगाया बोकारो टिम्बर बालीडी बोकारो में लोडिंग के लिए। तो हमारा गाड़ी जो लोडिंग होने वाला था वो बोकारो से जोगमनी विराटनगर का होने वाला था, लगभग 450 किलोमीटर का दूरी था। तो हमको भाड़ा मिला था 2500 रुपये टन और मैंने माल लोड किया था 40 टन, यानी 1 लाख का भाड़ा मैंने लोड किया था पहला। और उधर से मैंने भागलपुर से फिर बालीडी बोकारो का माल लोड किया था, 39 टन माल लोड किया था, 1000 रुपये टन था, तो 39000 का भाड़ा था। मतलब टोटल मेरा भाड़ा अप डाउन का 1,39,000 का था। और हमारा जो डीजल जो खर्च हुआ बोकारो से विराटनगर जोगमनी हम लोग जो माल खाली किए उसमें 23,000 का डीजल हमने भरवाया था, और जब उधर से हमने लोहा लेकर आया तो 20,000 का डीजल भरवाया था। मतलब टोटल हमने 43,000 का डीजल दोनों चक्र में खाया था हमारा गाड़ी। और बाकी जो है हमारा रोड खर्चा जो गिरा था वो 28,970 रुपये हमारा खर्चा गिरा था, जिसमें फ्लाई बोर्ड लोडिंग में हमारा 2450 रुपया लग गया था, जिसमें कमीशन था, कांटा था और लोडिंग वगैरह का सारा 2450 रुपये हमारा खर्चा हुआ था। तो टोटल हमारा अप और डाउन का इसमें खुराकी रोटी पानी सारा है 28,970 रुपये हमारा खर्चा गिरा था और 43,000 का डीजल। और खर्चा ये भी बता सकते हैं क्या क्या में खर्चा गिरा था हमारा, तो खुराकी लगभग हमारा 2 तारीख से लेके 13 दिसंबर तक, यानी 12 दिन का पूरा एक चक्कर लगा हम लोगों का। तो उसमें खुराकी रोटी पानी जो है वो 4800 रुपये का हम लोग खा गए थे, मतलब एक दिन का 400 रुपये के हिसाब से 12 दिन का होता है 4800 रुपया, वो हो गया। फास्टैग में हमने रिचार्ज कराया 1,500 का, उसके बाद गिरिडीह में नगर पालिका लगा, देवघर में लगा, नेपाल खर्चा 3,000 लगा, और भी बहुत सारा छोटा मोटा खर्चा है। जैसे उधर से भी जब लोडिंग किए तो वहाँ भी कांटा लगा, कमीशन ट्रांसपोर्टिंग लगा, टायर पंचर भी हुआ, तो यही सब सारा हमारा खर्चा है। तो दोस्तों हमारा टोटल जो खर्चा था वो 28,970 रुपये का था खर्चा, हमारा डीजल हो गया 43,000 का और हमारा भाड़ा बना था 1,39,000 रुपया। अब समझ सकते हैं 1,39,000 मतलब 1.5 लाख में 11,000 कम। और इस बार जो है खर्चा हमारा काफ़ी कम गिरा था, क्योंकि जो रोड पे गए थे उसमें टूल टैक्स ना के बराबर था, मतलब मुश्किल से जाने में 500 रुपये का टूल टैक्स लगा और आने में भी 500 का टूल टैक्स लगा। तो टोटल जो है फास्टैग रिचार्ज मेरा मात्र 1,500 का हुआ था। तो चलिए आप लोगों को बता भी देते हैं, जैसे 23,000 का तो डीजल इधर से लेके गए हम लोग, जब वापस जब गाड़ी खाली करके आए तो फिर 5,000 का डीजल लिए, फिर जब हमारा गाड़ी स्क्रैप लोड हो गया तो 15,000 का डीजल लिए, टोटल हम लोग 43,000 का डीजल लिए। ठीक है दोस्तों, मतलब 1,39,000 का भाड़ा, उसमें मात्र 43,000 का हमारा डीजल खाया। अगर रोड खर्चा भी है वो ज़्यादा नहीं गिरा, रोड खर्चा जो हमारा है 28,970 रुपये खर्चा हमारा गिरा, जिसमें ड्राइवर का कमीशन भी 10,000 रुपये जुड़ा हुआ है। मतलब एक ड्राइवर का कमीशन 10,000 रुपये मिलता है और 400 रुपये रोटी पानी का एक दिन का। तो 10,000 में हमको यहाँ से गाड़ी लोड करके नेपाल खाली किए, फिर नेपाल से बाहर निकल के फिर दोबारा माल लोड करके यहाँ पे खाली किए, तो पूरा मेरा एक चक्कर लग गया। मतलब इधर से भी लोडिंग गाड़ी लेके गए, फिर उधर से खाली करके उधर से भी लोडिंग करके आए, मतलब पूरा एक चक्कर हो गया हमारा 12 दिन में। तो वो ड्राइवर का हो गया 10,000 रुपया, और हेल्पर जो रहता है वो मंथली में रहता है,
तो मंथली में 12-15 जिसे करो उसका मंथली है 8,000 या 10,000 है, तो 15 दिन काम किया तो उसी के अनुसार उसका आधा पैसा उसमें जोड़ लीजिए। जैसे अगर हेल्पर का 10,000 रुपया है तो 15 दिन मतलब 12 दिन का मतलब ड्यूटी लगा तो लगभग 5,000 रुपया मतलब हेल्पर का हो गया स्टेप में। तो इसमें हेल्पर, ड्राइवर और फास्टैग रिचार्ज, रोटी पानी, टोटल का खर्चा और गाड़ी का छोटा मेंटेनेंस भी है, जैसे टायर पंचर हो गया, ग्रीसिंग हो गया, एयर फिल्टर वगैरह हो गया, तो टोटल हमारा खर्चा गिर रहा था 28,970 रुपया। तो आप देख सकते हैं 28,970 रुपया रोड खर्चा गिर गया, डीजल हो गया हमारा 43,000 का, और टोटल दोनों को मिला दे रोड खर्चा और डीजल तो हो जा रहा है 71,970 रुपया खर्चा गिरा। और हमारा भाड़ा कितना था? 1,39,000 का। तो समझ सकते हैं इस बार हमारा कितना ही अच्छा बचत हुआ। तो दोस्तों हमारा इतना अच्छा बचत हुआ ना कि कहना नहीं है। हमारा गाड़ी ने 67,000 रुपया छोड़ दिया, 67,000, मतलब 12 दिन का कमाई हमारा 67,000 रुपया है, मतलब 70,000 में 3,000 मात्र कम, 67,000। तो आप सोच सकते हैं कभी कभी गाड़ी वाला को इतना अच्छा भाड़ा मिल जाता है तो उसमें बचत हो जाता है। आप समझ सकते हैं 12 दिन का कमाई हमारा 67,000 रुपया है। तो इस बार जो ट्रिप जो रहा हमारा बहुत ही अच्छा रहा, मतलब एक साथ दीपावली, दशहरा जो भी बोलिए, एकदम खुशी वाला एकदम पल था हमारे लिए कि इस बार पैसा भी अच्छा बचा। इसमें ड्राइवर का, हेल्पर का, गाड़ी का मेंटेनेंस निकाल के हमारा 67,000 रुपया 12 दिन में बचा। तो यही सब है गाड़ी घोड़ा का, क्योंकि अब दुर्गा पूजा के पहले बरसात वगैरह था तो भाड़ा वगैरह अच्छा नहीं मिल रहा था, तो बचत नहीं हो पा रहा था। वही मुश्किल से कभी 30,000 रुपया बचता था, कभी 35,000 बचता था। लेकिन तो चलिए किसी तरह भी गाड़ी एक चक्कर मारा और 67,000 हमारा बचा। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि अगर इसी तरह ट्रिप लगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और गाड़ी घोड़ा लेन में यही है कि बरसात के टाइम में होता है तो भाड़ा वगैरह कम मिलता है तो उसमें बचत नहीं होता है, उस समय वही 20,000-25,000 होता है। लेकिन अभी जो है मार्केट थोड़ा सुधर रहा है और सब जगह से अभी माल मिल भी जा रहा है, मतलब गाड़ी उतना रुक नहीं रहा है और इसकी वजह से भाड़ा भी थोड़ा अच्छा खासा है, इसके वजह से पैसा बच जा रहा है। देखिए गाड़ी घोड़ा लेने में क्या होता है कि जैसे आप गाड़ी अगर खरीद लीजिएगा तो 2 रुपये इसमें कम है, लेकिन हर समय पैसा आ जाता है अपने पास, भले वो डीजल में खर्चा हो जाए या और भी गाड़ी का मेंटेनेंस में खर्चा हो जाए, लेकिन पैसा अवेलेबल रहता है हर समय। गाड़ी घोड़ा का लाइन क्या है कि आप एक जगह से दूसरा जगह 500-600 किलोमीटर, 1,000-1,500 किलोमीटर जाइएगा तो आप अपना सफ़र काटिएगा, खाने पीने का भी आज़ादी है, अपना बनाइए गाड़ी में, कुछ भी खाइए, मटन, चिकन, मछली या जो भी आपको मन करता है तो होटल में खाइए, नहीं अगर मन करता है तो आप गाड़ी में बना के खाइए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब गाड़ी लाइन जो है एक तरह से ट्रैवलिंग भी हो गया, एक तरह से आप देश दुनिया घूम भी सकते हैं। मतलब इंडिया कोई जगह का माल लोड किए हैं तो वहाँ आप रास्ते में जब जा रहे हैं तो वहाँ का भी, जैसे आप झारखंड के हैं, आप बंगाल गए, यूपी गए, महाराष्ट्र गए, तो वहाँ का सभ्यता संस्कृति से भी आपको रूबरू होने को मिलेगा। दूसरा बात है जगह जगह पानी भी चेंज हो जाता है, जगह जगह भाषा भी चेंज हो जाता है। तो भारत जो है विविधताओं वाला देश है, 25 राज्य है, 25 राज्यों में सबका खान पान अलग है, बोली भाषा अलग है। तो एक देश राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं तो वहाँ का सभ्यता संस्कृति देखते हैं, वहाँ का भाषा देखते हैं, वहाँ का खाना भी जो रहता है वो अलग अलग रहता है। बिहार में अगर चावल पसंद ज़्यादा लोग करता है तो और जगह रोटी पसंद करता है, इस टाइप का खान पीन भी है। एक ट्रक ड्राइवर का यही होता है कि कहीं भी अब जाता है तो वहाँ का सभ्यता संस्कृति रूबरू होता है, वहाँ का खान पान से रूबरू होता है, वहाँ का भाषा से रूबरू होता है। तो यही सब दोस्तों गाड़ी घोड़ा लाइन में है। बाकी हम भी बताते हैं कि गाड़ी में हमारा क्या अभी बचत हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि अपना भी बताना फर्ज बनता है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आता है, भैया गाड़ी खरीदें कि नहीं खरीदें, हमारा बचत होगा कि नहीं बचत होगा। तो भाई गाड़ी खरीदना में बुराई नहीं है, बस अच्छा भाड़ा अगर मिल जाए तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर अच्छा भाड़ा नहीं मिलेगा तो फिर आपको घर से भी पैसा लगाना पड़ जाता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यही हमारा इस चक्कर का खर्च था, हमने शॉर्टकट में बता दिया क्योंकि लंबा करना वीडियो ठीक बात नहीं है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।